मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि आजादी का अमृत महोत्सव जिस तरह से मनाना चाहिए देश भर में, उसी तरह से आज 15 अगस्त 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। और परभणी शहर के सोनिया गांधी उर्दू प्राइमरी और हाई स्कूल में जिस तरह से आज 15 अगस्त के मौके पर सेक्रेटरी गौस बागवान इनकी जानिब से जिस तरह से आज राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई है, और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने के बाद में यहां पर राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने के बाद में सोनिया गांधी प्राइमरी और हाई स्कूल में जिस तरह से स्ट्रेंथ यहां पर है इनकी, प्रभात फेरी निकाली गई। और प्रभात फेरी निकालने के बाद में संस्था के सचिव गौस बागवान इनकी जानिब से जिस तरह की प्रतिक्रिया दी गई, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से सोनिया गांधी प्राइमरी और हाई स्कूल में विद्यार्थी जिस तरह से यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने के बाद लाइन से कतार लगाकर किस तरह से सोनिया गांधी प्राइमरी और हाई स्कूल के टीचर्स और यहाँ के विद्यार्थी ये पूरी तरह से प्रभात फेरी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और ये महल्ले में मैसेज दे रहे हैं कि एजुकेशन होना कितना ज़रूरी है, और जब तक तालीम याफ्ता इंसान नहीं होता तब तक वो कामयाब नहीं होता, ऐसा मैसेज इन विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की, तालिब इल्मों की जानिब से दिया जा रहा है। और देश भर के लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि एजुकेशन की कितनी सख्त आज ज़रूरत है, और जब तक इंसान तालीम याफ्ता नहीं होता तब तक कामयाबी उसे नहीं मिलती, यही मैसेज इन विद्यार्थियों की जानिब से दिया जा रहा है। और तालीम होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपके पास एजुकेशन नहीं, अगर आपके पास तालीम नहीं तो आप कामयाब नहीं। जब तक आप एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे तब तक आप कामयाबी हासिल नहीं करेंगे, यही मैसेज सोनिया गांधी उर्दू हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल की जानिब से आज विद्यार्थियों की जानिब से ये मैसेज आवाम के लिए दिया गया है। और एजुकेशन की अहमियत क्या है ये भी इस वक्त बताई गई है। सोनिया गांधी प्राइमरी और हाई स्कूल की जानिब से जिस तरह से छोटे छोटे नन्हे बच्चों ने जिस तरह से रैली निकालकर इस रैली के ज़रिए से ये मैसेज दिया है कि एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया सोनिया गांधी उर्दू प्राइमरी और हाई स्कूल के सेक्रेटरी गौस बागवान इन्होंने दी है, और क्या आह्वान जनता से किया है खुद इन्हीं की ज़बानी। आज 15 अगस्त 2022 का 75वां आज़ादी के यौम दिन मनाया जा रहा है। और हिंदुस्तान में जिस तरह से गवर्नमेंट ने आदेश निकाली 13, 14, 15 पर अपने घर पर तिरंगा लगाए, तो ये देखने में आया है कि चारों तरफ से जो है तो खाली तिरंगा ही नज़र आ रहा है। और कांग्रेस की जो है तो गंगागढ़ से जिंतू की जो पद यात्रा थी इसमें जो है तो बहुत अच्छी तरह से कामयाब हुई, और देश को जो है तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो अच्छे तरह से चला सकती है। और हम ये चाहते हैं
कि हिंदुस्तान में 75वां यौमी दिन जो मनाया जा रहा है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है और हर घर में तिरंगे की जो है तो खुशबू नज़र आ रही है, और जिसमें छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, रिक्शा चलाने वाला हो, हथगाड़ा वाला हो और ऑटो वाला हो, जो भी लोग देखेंगे तो उस पर तिरंगा आपको नज़र आएगा। और हमारे सोनिया गांधी के स्कूल की जानिब से बहुत बड़ी एक जो है तो रैली का इंतज़ाम किया गया है, शहर के कोनों कोनों से गुजरते हुए स्कूल की तरफ से स्कूल की तरफ और रिटर्न रवाना होगी। और हम ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में जो है तो भाईचारा मनाएं और एक दूसरे से मिलजुल कर हम 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। और हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि हमारे इंडिया को किसी की बुरी नज़र ना लगे। और मैं गौस भगवान और स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से, स्कूल का सेक्रेटरी के नाते से, पूरे मेंबरों की तरफ से और पूरे टीचर की जानिब से और हमारे जो भी टीचर्स असातेज़ा जो भी है उनके जानिब से 75 साल की यौम जमहूरिया जो मना रहे उसके ताल्लुक से हम अपने तरफ से सबको मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि सालों साल इसी तरह से हम यौम जमहूरिया मनाते रहे। हमारे सोनिया गांधी प्री प्राइमरी प्राइमरी हाई स्कूल के जानिब से मुख्याध्यापक प्राइमरी मुख्याध्यापक हाई स्कूल और सुपरवाइज़र की जानिब से यौम जमहूरिया की 75वीं साल की मुबारकबाद देते हैं। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो देश को जो है तो अच्छी तरह से चला सकती है और कांग्रेस में वो गट्स है जो है तो देश को गरीब गुरबाओं को जो है तो लेकर मिलकर चल सकते हैं। इसी तरह से मैं चाहूँगा कि भाई जो भी देश में आज महंगाई की जो मार झेली जा रही है वो बहुत आसमान को छू रही है। गैस के सिलेंडर की टाकी अगर आप लेंगे 1110 रुपये में मिल रही है, जबकि कांग्रेस में जो है तो 450 में थी। तो हमारी मोहतरमा ईरानी साहब जो है तो हमारे मोहम्मद सिंह को जो है तो चूड़िया भेजती थी, आज वो कहाँ है बात देखने में आ रही है। लोग जो है तो खामोश है, इसमें गरीब गुरबा का बहुत बेकार हाल है। आज गैस का कोटा दी किया 40% भी खपत नहीं हो रही इसमें और जो है तो 60% के स्टॉक रह रहा है गवर्नमेंट के पास। ये महंगी की बहुत मार है। हमारे प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करते हैं कि महंगे पर जो है तो थोड़ी खब किया जाए। खुदा हाफिज़। जय हिंद। 15 अगस्त के मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से जिस तरह से शहर के परभणी शहर के गांधी पार्क यहाँ पर हुतात्माओं को जिस तरह से श्रद्धांजलि दी गई है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला शहर अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख, इनके साथ में जाकिर लाला नगर सेवक जाकिर लाला और इन्हीं के साथ में बड़ी तादाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग यहाँ पर मौजूद थे। जिस वक्त प्रताप भैया देशमुख इनकी जानिब से यहाँ पर झाड़ भी लगाए गए हैं। आज 15 अगस्त 2022 को जिस तरह से देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसी के चलते परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 11 दरगाह रोड के हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी यहाँ के इस बस्ती के लोग आज परभणी शहर के उपोषण मैदान यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद में 15 अगस्त 2022 के मौके पर ही इन लोगों ने यहाँ पर आकर परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त तो देवीदास पवार इनके खिलाफ घोषणाबाजी की और जिस तरह से इन्होंने मांग की है कि परभणी शहर हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी यहां पर रास्ते बनाना बहुत ज़रूरी है और यहां पर कीचड़ वाले ही रास्ते हैं, बारिश का मौसम है और बारिश की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसी के चलते इस एरिए में पूरी तरह से मुरुम के रास्ते होना बहुत ज़रूरी है और जब तक मुरुम के रास्ते नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग यहीं पर ही बैठे रहेंगे, ऐसा भी यहाँ की आवाम ने कहा है। और जिस तरह से यहाँ की महिलाओं ने घोषणाबाजी की है, इस वक्त महिलाओं की जानिब से जिस तरह से नारेबाजी की जा रही थी, जिस तरह से घोषणा दी जा रही थी, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से इन महिलाओं में अब जागृति आ गई है और ये महिलाएँ अपने हक और अधिकार के लिए लड़ती हुई नज़र आ रही है। हाथ में तिरंगा लेकर ये महिलाएं ही नहीं बल्कि इनके अलावा इनके साथ में छोटे बच्चे भी जो नज़र आ रहे हैं इनके हाथ में भी तिरंगा ध्वज लेकर ये लोग आज 15 अगस्त के मौके पर परभणी शहर के उपोषण मैदान यहां पर आकर इन्होंने जिस तरह से अपने आप के
बताने की कोशिश की है कि हम किस तरह से किस परेशानी में हैं। इस वक्त परभणी शहर महानगर पालिका के अवैध हाशमी ये यहाँ पर आए और इन्होंने आकर यहाँ पर आश्वासन दिया है कि दो दिन में, आने वाले दो ही दिनों में सिर्फ जैसे ही बारिश रुक जाएगी और कीचड़ सूख जाएगा, हम आपके पास में मुरम डाल देंगे। ऐसा आश्वासन भी परभणी शहर महानगर पालिका के अवैध हाशमी इनकी जानिब से दिया गया है। और इनका जिस तरह से इन्होंने धरने आंदोलन किया है, परभणी शहर के हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी के लोगों ने जिस तरह से पूरी तरह से धरने आंदोलन किया था, और इस धरने आंदोलन में वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमोद कुटे और उन्हीं के साथ में इमाम भाई ये भी यहां पर नजर आए और इन्होंने जिस तरह से आश्वासन दिया, यहां पर पूरी तरह से इन लोगों ने प्रमोद कुटे और इमाम भाई और यूसुफ कलीम साहब, इन्होंने जिस तरह से नेतृत्व किया इन महिलाओं का, इन्हें जिस तरह से मार्गदर्शन किया, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से यूसुफ कलीम साहब और उसी के साथ में प्रमोद कुटे साहब और इमाम भाई, इनकी जानिब से जिस तरह से इन महिलाओं को मार्गदर्शन किया गया है, उसी के चलते अवैध हाशमी साहब इन्होंने यकीन दिलाया कि आने वाले दो ही दिनों में सिर्फ आपके एरिया में मुरुम डाला जाएगा, तब इनका धरने आंदोलन बंद किया गया है। देशमुख साहब को इतने फोन दिया है, सर बना के मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर की कॉल की, सर ने बोले कि मैं करा देता हूँ सर, न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माजा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, इन्होंने मिलकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, हमें आपके कॉमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। आपके कॉमेंट्स जिस तरह के भी रहेंगे, आप हमारे न्यूज़ पर कॉमेंट्स ज़रूर करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद। मिर्ज़ा मेस परभणी, अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ़ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्ज़ा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें, मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में, ग्राहक की खुशी यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें, एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी, मोबाइल नंबर 9881290190। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कॉन्टैक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार के पास नानलपेट कॉर्नर पर बनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है, मोबाइल नंबर 9960569383 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी, याद रहे आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।